अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाह। भाई क्या हाल वाले, खैर खैरियत से हैं भाई? सुबह बखैर, जुमतुल मुबारक आप सबको। और जुमे का दिन है भाई, माशाल्लाह बहुत मुबारक दिन है। तो बस अभी उठे हैं यार, उठ के नमाज़ की तैयारी हो गई है, तो जुमा पढ़ने जा रहा हूँ अभी। तो बस मैंने कहा आप लोगों से बात करूँ, और कल मूड इतना ज़्यादा अपसेट था तो सही से आप लोगों से बात भी नहीं हो पाई। तो इंशाल्लाह ताला आज बात करेंगे। और आप लोग सुनाएं, ठीक ठाक हैं, खैरियत से हैं? जुमे की तैयारी भाई कौन कौन कर रहा है? और जल्दी जल्दी कर ले क्योंकि टाइम बहुत कम है और मुकाबला सख्त है। तो बस मैं जा रहा हूँ भाई नमाज़ पढ़ने के लिए। आज की वीडियो आगाज़ यहीं से करते हैं। तो एक नए दिन का आगाज़, एक नई एनर्जी के साथ, वेलकम टू दी माई न्यू व्लॉग। हाँ यार, नमाज़ पढ़ने जा रहा हूँ क्योंकि जमात खड़ी होने वाली है, अभी तो खुतबा स्टार्ट होगा, इतना टाइम है, पहुँच जाऊँगा आराम से। तो बस चलते हैं नमाज़ पढ़ने जल्दी जल्दी, नमाज़ पढ़ के फिर आपको वैसे बात होगी, ठीक है? हाँ यार, नमाज़ भी पढ़ के आ गए, नमाज़ अदा हो गई जुमे की नमाज़। तो बस अब जा रहा हूँ घर की तरफ, जा रहा हूँ जाके नाश्ता वगैरह करते हैं, क्योंकि नाश्ता किया ही नहीं है, काफ़ी लेट उठा था। तो बस अभी जाके नाश्ता करते हैं, फिर आप लोगों से बात करते हैं, ठीक है? घर भी आ गए, खोलो भाई खोलो, घर भी आ गए। तो बस अभी फटाफट अंदर जाते हैं और नाश्ता तो रेडी होगा, तो फिर नाश्ता करते हैं, ठीक है भाई? चलो भाई करते हैं नाश्ता, ठीक है? बिस्मिल्लाह व अला बरकत। रयान तंग नहीं करो भाई, रयान बहुत तंग करता है भाई अपनी बहन को। भाई दोस्तों मैं निकलता हूँ ऑफिस के लिए, क्योंकि टाइम है कम और मुकाबला है सब। तो इंशाल्लाह फिर मैं जा रहा हूँ, ठीक है ना? अल्लाह हाफिज़। बस यार कंपनी आ गया था और टाइम नहीं मिल पाया क्योंकि काम कुछ ज़्यादा था, बिजी था बहुत ज़्यादा, तो टाइम मिल नहीं पाया आप लोगों से दोबारा बात करने का। मैंने कहा चलो, तो अभी बस मगरिब की नमाज़ पढ़ के फारिग हुए, मगरिब की नमाज़ भी अदा कर ली है, तो मैंने कहा चलें थोड़ा आप लोगों से सलाम दुआ कर लें। तो बस यही है यार, अभी काम वाम में थोड़ा बिजी था आज, तो इसलिए बिल्कुल मिल नहीं पाया। तो कोई गन लेके आ गया बंदा, ये गन मारेगा। बस यही, अब जा रहा हूँ अंदर, जा रहा हूँ अंदर जाके काम वाम करता हूँ, ठीक है? फिर बात कर। ये चाचा थे हमारे, गार्ड थे, ये बिल्कुल मुझे फायर मार रहे थे भाई, देख लो। यही है भाई, यही दुनिया है, यही रीत है, सब चीज़ें यही चल रह जाएंगी बस। लेट है आओ। तो आ गया हूँ भाई यहाँ मैं अपनी फेवरेट प्लेस पे, आप लोगों को पता है ये जगह मुझे इतनी पसंद है, आराम से सुकून से बैठना, क्योंकि यहाँ पे बिल्कुल जो है ना, बिल्कुल रिलैक्स बंदा हो जाता है यार यहाँ बैठने के बाद। मैं अपने आप की बात बता रहा हूँ कि मैं यहाँ जब बैठता हूँ आके तो बिल्कुल रिलैक्स फील करता हूँ। तो दो तीन मिनट जो बैठता हूँ वो आप लोगों से बात करता हूँ यहाँ बैठ के। तो बस इसीलिए फिर बैठा रहा मैंने कहा कि थोड़ी देर यहाँ बैठ के फिर चलते हैं, कुछ काम बाकी है उसकी क्लोजिंग करनी है, तो फिर फटाफट जाके क्लोजिंग करेंगे, फिर क्लोजिंग वगैरह करने के बाद फिर घर के लिए निकलेंगे, क्योंकि थोड़ा बहुत काम रह गया। तो बस अब फटाफट जाऊँगा नीचे, तो मैंने कहा चले। तो अभी नमाज़ अदा की है, नमाज़ अदा करने के बाद यहाँ बैठ गया था थोड़ी देर, और बस यही सोच रहा था कितनी बिल्कुल आसमान के नीचे ही थे, बिल्कुल आसमान इतना क्लीन लग रहा है, क्लीन लग रहा है कि बस दिल चारा आसमान को देखते हैं। और एक एक बंदे की कैफियत होती है, बंदा आसमान को देखता है ना, एक अलग से एक दिल में जो है ना चाहत होती है कि बस पता नहीं अजीब सा फील होता है, उसको आप एक्सप्लेन नहीं कर सकते क्या चीज़ फील हो रहा होता है इंसान को। तो अभी मुझे वही चीज़ फील हो रही है, मुझे समझ में नहीं आ रहा है मैं कैसे एक्सप्लेन करूँ, लेकिन आप लोग समझ चुके होंगे जो मैं कहना चाह रहा हूँ, जो नहीं कहना चाह रहा हूँ वो समझ गए होंगे। तो बस यही है भाई, चलें चलते हैं, मैं नीचे जाके अपना काम निपटाता हूँ, फिर आप लोगों से बात करूँ। हाँ तो बस भाई फ्री हो गया यार, फ्री होके अब निकल रहे हैं, घर की तरफ ही जाएंगे अब, क्योंकि काम वगैरह अल्हम्दुलिल्लाह सारा निपटा दिया टाइम से पहले, तो अब बिल्कुल ही टाइम कम है और मुकाबला है सख्त। तो बस फटाफट यहाँ से निकलेंगे, तो बस अब निकल ही रहा हूँ, फिर इंशाल्लाह घर जाके बात होगी, घर जाके मुलाकात होगी, ठीक है? तो बस आ ही रहे हैं लड़के सारे, क्योंकि रात का टाइम है ना, सारी बाइकें वगैरह जो ना सब एक साथ ही निकल रहे होते हैं, तो सारे लड़के ऐसा ऐसा करके आ रहे हैं, फिर सब साथ निकलेंगे। तो बस चलते हैं, घर पर मुलाकात होगी खाने पर। निकलने भाई लड़के जमा हो जाए, पहले सब जमा होते हैं, उसके बाद ही फिर निकलते हैं। ये मेरे शहजादे आ रहे हैं, तीन शहजादे आ रहे हैं, ठीक है? एक वो रहा, एक मेरा शहजादा वो है, अलग है, वो थोड़ा दूर है। सब मेरे डिपार्ट की लड़कियाँ उड़ गई हैं, लेकिन वो आगे पीछे तो ये हैं सारे। ये थोड़ा फनी करेक्टर है, करीब आओ, पूछो ताओ दो सही वाली, तुम भी ताओ दो, चलो निकलते हैं फिर। ओके बस पहुँच गया हूँ, घर भी पहुँच गया, और घर पहुँचने के बाद सबसे पहले हुआ हूँ मैं फ्रेश,
फ्रेश होने के बाद फिर अभी आके इस तरह बैठा हूँ आपके सामने, क्योंकि फ्रेश हो गया हूँ। अब हो रहा है खाने का इंतज़ार, हमारी मैडम लगा रही हैं खाना। अभी उन्होंने ला के रखा है पानी का गिलास और पानी की बोतल। अभी पानी और पानी की बोतल आ चुकी है, लेकिन 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 अभी खाना आना बाकी है, तो बस जल्दी से आ जा खाना, तो फिर खा लेते हैं खाना। ठीक है, आप लोग ने भी यकीनन खाना खा लिया होगा, मैं काफ़ी लेट खाता हूँ क्योंकि मैं आता लेट हूँ, तो इसलिए मैं लेट खाता हूँ। तो बस अभी बैठते हैं खाने के लिए। भाई भूख बहुत टाइट वाली लग रही है यार, चूहे दौड़ रहे हैं इस तरह, तो बस खाते हैं खाना, फिर बात करते हैं आपसे, चलें। अच्छा, तो बस यार बैठ चुका हूँ खाने के लिए। अम्मा जी आ जाएं, अम्मा को बुला रहा हूँ भाई। अम्मी जल्दी से आए ताकि खाना स्टार्ट करें, क्योंकि अम्मी अब्बू जब तक नहीं आते हैं मैं खाना स्टार्ट नहीं करता हूँ। अम्मी अब्बू आ जाएं तो फिर साथ में करेंगे खाना स्टार्ट, क्योंकि जाहिर सी बात है पहले दिन बड़े खाना स्टार्ट करें, उसके बाद बच्चों को चाहिए खाना स्टार्ट करना। और ये आप लोग भी उसूल बना लें ज़िंदगी का कि सबसे पहले जो दस्तरखान में सबसे बड़ा हो उससे खाना स्टार्ट करवाएं, क्योंकि खाने में होती है बरकत। और ये अदब, यानी कि यही अदब है, और ये है कि बड़े से खाना, मैंने तो भाई यही सीखा है, तो इसीलिए खाना बड़ों से स्टार्ट करवाएं, क्योंकि अभी हम इंतज़ार कर रहे हैं अम्मी अब्बू का, अब्बू भी नहीं आए और अम्मी भी नहीं आई हैं, तो बस जल्दी से अम्मी अब्बू आ जाएं तो फिर खाना स्टार्ट करते हैं। तो मैंने कहा जब तक ऐसे ही बैठे रहेंगे तो भूख लगती रहेगी और टाइट, तो आपसे बात करते रहेंगे तो भूख का एहसास नहीं होता है, ये चीज़ तो मैंने नोट की है। आप लोगों से बात होती रहे तो गला ख़राब हो रहा है यार आजकल, दोबारा अभी सेट हो गया था अल्हम्दुलिल्लाह, लेकिन फिर से हो रहा है गला ख़राब। अब्बा जी आ जाए, स्वीट से अब्बा जी, स्वीट से अम्मा जी आ जाए। तो हाँ भाई यार, यही रौनक है बड़ों से घर पे, अम्मी अब्बू से ही रौनक है, तो घर पे ये होते हैं तो माशाल्लाह बड़ी रौनक होती है। और अल्लाह पाक सबके वालदेन को लंबी उम्र दे, लंबी ज़िंदगी दे, सेहत और आफियत के साथ, और माँ बाप का साया सब बच्चों पर सलामत रखे, आप सब पे भी और मुझ पे भी। तो बस आमीन आमीन, मेरी हमारी मैडम ने कहा आमीन, तो मैंने भी कहा आमीन, आप सब भी बोले आमीन। ठीक है, तो फिर अभी दोबारा बुलाते हैं अम्मी अब्बू। मैंने गिरा दिया सालन, तो वो दस्तरखान पे गिर चुका है सालन, कि मैंने पकड़ा इस तरह ना तो सालन गिर गया। आ गए अब्बा जी आ गए भाई, अब करते हैं खाना स्टार्ट, चलें। हाँ अब्बू गिर गया ये, अभी बोले क्या गिरा दिया, मैंने कहा सालन गिर गया अब्बू। तो भाई कभी कभी दस्तरखान को भी खिलाना चाहिए ना खाना, क्या ख्याल है आप लोगों का? तो मैंने कहा यार इतने दिन से दस्तरखान को हम खाना नहीं दे रहे हैं, तो मैंने कहा चले ज़रा खाना खिला देते हैं भाई दस्तरखान को, इसलिए मैंने गिराया, वजह ये थी गिराने की। अब समझ में आया मैडम बना क्या है, खाना बना है फिश। ओ माशाल्लाह, आज तो हमारी मैडम ने बनाया है फ़िश कढ़ाई, फ़िश कढ़ाई खाते हैं, क्योंकि बना है आज हमारे घर में स्वीट सा सारी, ये मुझे पसंद है भाई, खा दो मम्मी खाएँ, आप लोग स्टार्ट करें, निकाल के दें भाई, मैं तो खुद से तो निकालता नहीं, यही बात है। चले भाई ठीक है, खाना खाते हैं आराम से, फिर आपसे बात करते हैं, क्योंकि आज है फ़िश कढ़ी, फिश कढ़ी कहते हैं। भाई खाना तो खा चुका है यार अल्हम्दुलिल्लाह, अब गर्मा गर्म है चाय की बारी, तो ये है भाई चाय हमारी गर्मा गर्म, तो इसको पीते हैं। ओ माय गॉड, खाने के बाद जो चाय का मज़ा है ना, तो वह एक चाय लवर ही बता सकता है, जिसको चाय से मोहब्बत है, जो चाय के लवर हैं वही बता सकते हैं क्या मज़ा आता है खाने के बाद, ख़ास तौर पर। ओ माय गॉड, तो चाय लवर्स आप सबके लिए आज की वीडियो है कि चाय पिए और अपने माइंड को और ख़ुद को फ्रेश करें, तो ये वीडियो है आज की चाय लवर के लिए। ठीक है, हमारे चाय लवर जैसे मैं भी चाय लवर हूँ, टी लवर बोल दें, चाय लवर बोल दें, बात एक ही है, तो चाय लवर। ठीक है ओके, तो भाई ये सारी चीज़ें यार, खाना वाना भी हो गया, चाय वगैरह भी पी ली हमने, तो बस अब सोने की तैयारी करते हैं, क्योंकि नींद आ रही है शदीद, ख़तरनाक वाली नहीं, ख़तरनाक वाली नींद नहीं, हमारे एक भाई हैं उन्होंने कहा ये नहीं बोलिएगा ख़तरनाक नींद आ रही है, उनको बोलेगा बहुत प्यारी सी स्वीट सी नींद आ रही है, तो समझ भाई ख़तरनाक नहीं बोलूँगा मैं पक्का। ठीक है भाई, बहुत प्यारी सी नींद आ रही है, स्वीट सी नींद आ रही है, तो चलते हैं सोने के लिए, अल्लाह हाफिज़ नासिब। लेकिन आप लोगों को चैनल सब्सक्राइब करना पड़ेगा, लाइक करना पड़ेगा, और बहुत सारे कमेंट्स करेंगे, लाजमी करिएगा, इंशाल्लाह लाजमी करेंगे आप लोग, तो फिर चलते हैं, अल्लाह हाफिज़ नासिब, गुड बाय।